हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप जो है 10 का जो जोन क्लासिफिकेशन है उसको आप कैसे पहचान सकते हो, रिकॉग्नाइज कर सकते हो उसके बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, 10 का जो क्लासिफिकेशन जोन है उसके बारे में जो है आपको पता होना चाहिए। तो जोन जो 20 है वो कहता है कि ये जो है ये हाई रिस्क जोन है, जहां पर एक्सप्लोजिव जो एटमॉस्फेयर है वो यहां पर प्रेजेंट रहता है, वो भी लॉन्ग टाइम तक, और जिसके कारण जो है यहां पर फायर होने की जो पॉसिबिलिटी है वो यहां पर बढ़ जाती है। फिर उसके बाद है जोन 21। तो ये जो है ये मीडियम रिस्क जोन है, जहां पर एक्सप्लोजिव जो एटमॉस्फेयर है वो ऑकेशनली जो है यहां पर ऑकर होता है, वो भी नॉर्मल ऑपरेशंस में। फिर उसके बाद है जोन 22। तो ये जो है ये लो रिस्क जोन है, जहां पर एक्सप्लोजिव जो एनवायरमेंट है वो काफी शॉर्ट टाइम के लिए जो है यहां पर ऑकर होता है, या फिर वो नहीं के बराबर जो है वो होता है। तो इस तरीके से जो है ये 10 के जो है 3 क्लासिफिकेशन जोन है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो है जोन 20, जोन 21 और जोन 22। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा 10 के जोन क्लासिफिकेशन के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।